और देख पा रहे हैं आप यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड है और लगातार जो है जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है सख्त कार्रवाई की जाती है पार्किंग के खिलाफ। और यहाँ पर देख रहे हैं जो भी गाड़ियाँ लगी हुई है तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए इसको उठा के ले जाया जा रहा है, जब्त कर दिया जा रहा है गाड़ी को, क्योंकि कई सारे समय से जो है समझाया गया इस तरफ में पार्किंग नहीं लगाना, उसके बावजूद भी लोग जो है यहाँ पर पार्क करते हैं, इस तरफ में पार्क कर देते हैं, जिस वजह से जो है जाम हो जाती है और जाम होने के कारण परेशानी होता है और लोग जो है इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और इसलिए जो है अब आप देख पा रहे किस तरीके से जो है कार्रवाई की जा रही है। देखिए एक दिन के बाद रोज रोज अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पर नहीं रहते हैं? नहीं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं तो पढ़ना तो आता होगा, यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड जब दिया हुआ है तो पहले यहाँ पर गाड़ी लगा दी है। तुरंत गया था। तो पढ़ना तो आता है ना, नो पार्किंग का बोर्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर क्यों गाड़ी लगाया जा रहा है? बहुत गाड़ी लगा हुआ था इसीलिए। यही देखिए यहाँ पर जवाब है कि बहुत गाड़ी लगा हुआ है तो लगा दिए। तो अच्छा एक बात बताओ, सब कुआं में कूदेगा तो कूद जाएगा? नहीं सर, तुरंत। हाँ तुरंत फट जाए तो वहाँ का नहीं कूद रहा है, जब सब कूदेगा तो तुम भी ना कूदो। बोलो। तो देखिए ये बात है कि बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ था तो हम भी लगा दिए, तो ये कोई बात नहीं होता। यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, बार बार इस चीज़ को सूचना दी गई है कि गाड़ी जो है इस तरफ नहीं लगाना है, जिससे रोड जाम हो जाता है, इमरजेंसी गाड़ियाँ नहीं जा पाती है और पब्लिक को जो है परेशानी होती है। और इस वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लगातार कार्रवाई करते हुए आप देख पा रहे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को, कई सारे लोगों को समझा भी रहे, कई सारे लोगों को बता भी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप आगे देखते रहिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर गाड़ियाँ लगाते हैं और इनकी गाड़ियों पर कार्रवाई करते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गाड़ियों का लॉक नहीं है या फिर लॉक किया गया नहीं है, उनको भी ले जाया जा रहा है सुरक्षा के तहत में, क्योंकि गाड़ी अगर लॉक ना रहे ऐसे ही छोड़ के बहुत जन चल जा रहे हैं, तो उसको गाड़ी, एक तो नो पार्किंग है, दूसरी वजह यह है कि गाड़ी का अगर इसमें नहीं है लॉक तो चोरी हो सकता है, इसलिए सुरक्षा हेतु भी पुलिस जो है इस चीज़ को ले जा रही है। देखिए अब ये देखिए हॉर्न दिखे इस गाड़ी में, प्रेशर हॉर्न लगाया हुआ है जो कि सख्त मना किया गया है। और एक बार हॉर्न दिखाइएगा इसका, देखिए लाउडनेस आप देखिए इस गाड़ी का, अगर हॉर्न का देखेंगे तो यह हालत है अभी इस गाड़ी में। और ये सभी चीज़ें जो है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में सब बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का जो है लाउड साइलेंसर, लाउड हॉर्न, ये सब को यूज़ किया जाता है लिमिट के बाहर का, और इसके ऊपर भी कार्रवाई जो है की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा जुबली पार्क के मेन रोड पर। और आप देख पा रहे हैं अभी जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जितने भी चालान का प्रोसीजर है सब कुछ है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन डिटेक्ट करके ऑनलाइन ही यहाँ से पेमेंट भी लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, जो भी चालान हो रही है सभी चीज़ों का कार्रवाई यहीं से ऑनलाइन, एक मशीन दी गई है जैसे कि ट्रांजेक्शन के लिए मशीन रहती है, पॉस मशीन रहती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक मशीन दी दी गई है और उसी के अंतर्गत जो है सारी डिटेल्स डालने के बाद ऑटोमेटिकली चालान का जो है वो अमाउंट निकल के आता है, जो कि यहाँ से लिया जाता है जो भी ये रहते हैं कल्प्रिट रहते हैं उनसे। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम इस जगह पर जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस के, और तमाम जगहों पर जो है अभी आप एक एक करके देखिएगा यहाँ पर करने के बाद उधर अब बढ़ते चले हैं और उधर पे भी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पार्किंग कर सकते हैं जब गाड़ी पार्क में आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पार्क कर देंगे गाड़ी,
जी नहीं, ये पूरा जो रोड है जुबली पार्क गेट नंबर 2 से गेट नंबर 1 तक का, ये पूरा आपका नो पार्किंग जोन है। और इस जगह पर चाहे 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, कोई भी वाहन को यहाँ पर खड़े करके पार्क करने का अनुमति नहीं दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और जिस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब कोई भी चेतावनी नहीं दी जा रही है, क्योंकि लोगों को काफ़ी समय से समझाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर, लेकिन जो लोग नहीं सुधर रहे उनके लिए कार्रवाई जो है की जा रही है। तो फिलहाल इसी के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको ग्राउंड पे क्या क्या हलचल जो है वो मच रही है जमशेदपुर में। बने रहेगा जमशेदपुर मिरर के साथ। फिलहाल के लिए विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।